अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा उसका फोर्थ लेक्चर है चैप्टर 6 का, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन में आगे हम परसेंटेज पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन होता है मिकदार, कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास हमारे पास पानी है और उस एक ग्लास पानी में हमने चीनी ऐड की, तो वो चीनी की कितनी मिकदार है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, कि हमारे पास जो रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। कि हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर हम कहते हैं हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वाटर है, तो उस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में कितनी शुगर पाई जा रही है, कितने ग्राम शुगर पाई जा रही है। अगर हमारे पास 100% सोल्यूशन है तो उस 100% सोल्यूशन में कितने परसेंट शुगर पाई जा रही है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कि हमारे पास कितना सोल्यूशन है, कितनी अमाउंट है और उस अमाउंट में कितना सोल्यूट पाया जा रहा है, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की अगली हमारे पास यूनिट है परसेंटेज। परसेंटेज में हम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने ना अल्कोहल ली, 50% हमने अल्कोहल ली, आधी हमने अल्कोहल ले ली है और उतना ही हमने आधा पानी ले लिया है, उन दोनों को मिक्स किया है, तो इसका मतलब फिर उसमें क्या हुआ, परसेंटेज क्या हुई, हमारे पास टोटल 100% सॉल्यूशन है और उस 100% सॉल्यूशन में कितने परसेंट अल्कोहल है, 50%, कितने परसेंट वाटर है, 50%। तो ये हमारे पास होती है परसेंटेज, के परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, के हमारे पास सोल्यूशन में कितने परसेंट सोल्यूट पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं परसेंटेज। सबसे पहले है परसेंटेज की टाइप, परसेंटेज मैस बाय मैस। पहली हमारे पास टाइप है परसेंटेज मैस बाय मैस। परसेंटेज मैस बाय मैस, अब देखिए यहां पर हमने देखना है कि हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्या जो है वो स्टेट है। मैस कहा है ना, तो मैस आपको हमेशा याद होना चाहिए कि मैस हम हमेशा किसी सॉलिड चीज का ही लेते हैं। अगर वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम हम किसी लिक्विड का लेते हैं। तो मैस बाय मैस, पहला जो होगा वो सोल्यूट और जो दूसरा होगा वो सॉल्वेंट होगा। मैस बाय मैस का मतलब ये है कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, उसका हमें मैस लेना है, ग्राम में लेना है, चाहे वो पाउडर हो, और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज मैस बाय मैस वाला फॉर्मूला बेसिकली उनमें यूज होता है जब हम एलॉयज बनाते हैं। ज्यादातर एलॉयज जब बनाते हैं तो आपको पता है एलॉयज मेटल का मिक्सचर होता है, मेटल्स का मिक्सचर होता है, उसमें एक मेटल को हम दूसरे मेटल में मिक्सअप करते हैं, जैसे कॉपर और ब्रास का एलॉय बनाते हैं, तो उसमें कॉपर की अमाउंट ज्यादा होती है, ब्रास की अमाउंट कम, सॉरी जिंक की अमाउंट कम होती है, तो वो तब हम मैस बाय मैस वाला देखते हैं। तो मैस बाय मैस मतलब ये है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि हमारे पास टोटल सोल्यूशन है 100 ग्राम, तो हमने उसमें देखना है कि कितने ग्राम सोल्यूट पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन है, मैस बाय मैस 10% शुगर सोल्यूशन है, इसका मतलब इसमें 10 ग्राम हमारे पास शुगर पाई जा रही है और बाकी का जो 90 ग्राम है वो सॉल्यूशन का क्या है, सॉल्वेंट है। 10 ग्राम शुगर और 90 ग्राम सॉल्वेंट, तो वो है परसेंटेज मैस बाय मैस कि कितने ग्राम शुगर पाई जा रही है। तो परसेंटेज मैस बाय मैस का फॉर्मूला क्या है, मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगली हम देखते हैं परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, ये समझे, ये आसान है आपके लिए, समझना आसान होगा। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, इसका ये मतलब है कि हमारे पास
वॉल्यूम इसका मतलब वॉल्यूम बात की है, तो जो सॉल्वेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, और मैस सॉल्यूट की बात की है तो ये ग्राम में होगा। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर की फ्लास्क होते हैं, बीकर होते हैं लैब में, तो उसमें कितने ग्राम जो है वो सॉल्यूट पाया जा रहा है, दैट विल बी परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। सिंपली सिंपली देखें, हम कहते हैं हमारे पास 5% शुगर सॉल्यूशन है, आपने लैब में देखा होगा वो बीकर के ऊपर लिखा होता है 5% शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन, उसका क्या मतलब है? 5% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि हमारे पास 5 ग्राम शुगर है। अब ये कैसे बनाते हैं? अब 5 ग्राम बिल्कुल थोड़ी सी होती है, अब उसका क्या फर्क पड़ना है वॉल्यूम के ऊपर? इस वजह से 5% अगर शुगर सॉल्यूशन है तो हम उसके क्या करते हैं, 5 ग्राम पहले शुगर डालते हैं बीकर में और फिर जो पानी का लेवल है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक कर देते हैं। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि 5% शुगर सॉल्यूशन में बस 95 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर होगा और 5 ग्राम शुगर होगी, क्योंकि 5 ग्राम शुगर ने कवर करना ही नहीं एरिया, वो तो बिल्कुल थोड़ी सी होती है। इस वजह से कैसे बनाते हैं 5% शुगर सॉल्यूशन कि हम 5 ग्राम शुगर लेके तो इनफ पानी डालते हैं वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक आ जाए, तो हमारे पास वो 5% शुगर सॉल्यूशन मैस बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बन गया। मैस बाय वॉल्यूम मीन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में और जो वाटर है जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में, वो पानी अल्कोहल या कुछ और हो सकता है, तो इस तरह से बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो इस तरह से परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम बन जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन थी, परसेंटेज थी, कल हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस और मैस बाय मैस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।